नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बैतूल की बड़ी खबर के साथ, जहां बैतूल में आज चार पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई गई और इन चार मतदान केंद्रों पर 72.97% वोटिंग हुई है। 7 मई से 4% कम इस बार वोटिंग हुई है। एक ही बस में बैतूल लाई जाएंगी 16 ईवीएम, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ ही कड़ी सुरक्षा भी इस बस में रहेगी। चार सेंटर्स पर दोबारा पोलिंग कराई गई, लेकिन 7 मई को जो यहां पर वोटिंग हुई थी उसके मुकाबले इस बार 4% वोटिंग कम हुई है। बता दें कि 7 मई को जब ईवीएम वापस ले जाई जा रही थी तब बस में आग लग गई थी और आग लगने की वजह से ईवीएम को नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से चार पोलिंग सेंटर्स पर आज 9 तारीख को दोबारा वोटिंग कराई गई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी और ऐसे में अब वोटिंग परसेंटेज 4% कम सामने आया है। और इन चार सेंटर्स पर रीपोलिंग का अपडेट ये है कि 72.97% वोटिंग हुई है। एक ही बस में इन 16 ईवीएम्स को बैतूल ले जाया जाएगा। बस में रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद रहेगा और इसके अलावा कड़ी सुरक्षा भी रहेगी। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी बैतूल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषु, चार पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग हुई है, टर्नआउट निकलकर सामने आया है, पिछली बार के मुकाबले 4% कम। जी हाँ, देखिए 4% कम जरूर ये टर्नआउट रहा है वोटिंग का, लेकिन फिर भी 3 दिन के अंदर दोबारा मतदाता मतदान केंद्रों तक गए। चारों मतदान केंद्र पर सुबह से मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। धूप काफी तेज थी, उसके बाद भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने मतदान केंद्र पर कतारों में खड़े होकर मतदान किया। 4% इन वोटिंग सेंटर्स पर जरूर कम वोटिंग हुई है, लेकिन मतदाताओं का फिर भी जो है हमें उनकी उन्हें प्रोत्साहित करना होगा और उनकी तारीफ भी करनी होगी। जहां तक ईवीएम मशीन्स की बात है तो वोटिंग जो है वो निर्बाध रूप से संपन्न हुई है चारों मतदान केंद्रों में और अब कड़ी सुरक्षा के साथ और पूरे एहतियात के साथ ईवीएम मशीन्स को बैतूल लाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई और कुछ ही देर में ईवीएम मशीन्स को एक ही बस में जो सारी ईवीएम मशीन्स है उन्हें बैतूल लाया जाएगा। काफी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पिछली बार जो गलतियां हुई थी प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इस बार कोई भी गलती ना हो और पूरी सुरक्षा के साथ ईवीएम मशीन्स को स्ट्रांग रूम तक लाया जा सके। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 72.97% वोटिंग हुई है चार मतदान केंद्रों में, जबकि 7 मई को जो है वो 75% प्लस वोटिंग हुई थी। यहाँ पर कुछ परसेंट कम रह गया, लेकिन फिर भी मतदाताओं ने यहाँ 3 दिन के अंदर दोबारा मतदान किया है और काफी अच्छा मतदान का प्रतिशत ये माना जा सकता है। बिल्कुल ऋषु, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि बहुत थोड़े से ही कम वक्त में दोबारा पोलिंग बूथ पर आना, जबकि मौसम की अगर बात करें तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद हमने सुबह भी देखा था कि वोटर्स में उत्साह था। दोपहर में भले ही वोटर्स कम नजर आ रहे थे, लेकिन फिर शाम होते होते भी वोटर्स दिखाई दिए, पहुंचे पोलिंग स्टेशन पर, तो तारीफ तो करनी ही होगी तमाम मतदाताओं की। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी मतदाताओं की तारीफ करनी होगी। दूसरी बात, प्रशासन को भी काफ़ी कम समय मिला क्योंकि 7 तारीख और 10 तारीख के बीच में सिर्फ 2 दिन का समय बचा था और उन्होंने प्रशासन ने पूरी कोशिश की। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में, तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो गई है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं, अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल। तस्वीरें आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की रिहाई के वक्त की तस्वीरें, तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में झंडे बैनर लेकर यहां पहुंचे हुए हैं और ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल 40 दिन के बाद बाहर निकलकर आ रहे हैं तिहाड़ जेल से। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज ही अंतरिम जमानत दी है, 1 जून तक वो जेल से बाहर रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल की रिहाई के समय बाहर किस तरह से कार्यकर्ता समर्थक यहाँ इकट्ठा हैं वो आप समझ सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन का भी ये मौका है आम आदमी पार्टी के लिए। और कोर्ट ने उन्हें जमानत देते वक्त कहा था कि वो कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर पाएंगे क्योंकि चुनाव का समय है, 5 साल में ये समय आता है,
तो ऐसे में प्रचार के लिए उन्हें छूट मिली है, लेकिन वो मुख्यमंत्री की हैसियत से बाहर नहीं रहेंगे, यानी कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के नाते कोई फैसला, कोई दस्तखत नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो पार्टी के लिए, पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे। ये बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि अभी 25 तारीख को दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए इलेक्शन होना है और इसके अलावा हरियाणा में, पंजाब में वोटिंग होनी है। तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना, अंतरिम जमानत पर बाहर आना, ये एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये जो मौका है अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का, वो शक्ति प्रदर्शन का भी मौका है। और ऐसे में अब कह सकते हैं कि सियासी पारा और बढ़ने वाला है, पॉलिटिकल टेम्परेचर अब बढ़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे आक्रामक होकर तो वो हमला बोलेंगे ही बोलेंगे। इसके अलावा किस तरह से तिहाड़ जेल के अपने अनुभवों को वो साझा करेंगे, ये भी देखना रहेगा। तो अंतरिम जमानत को लेकर 7 मई को पिछली सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थी। अदालत ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं, केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन साथ ही कहा था कि जमानत मिलने पर वो ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। और अब 1 जून तक जमानत पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, 2 जून को सरेंडर करना होगा। चुनाव प्रचार कर पाएंगे लेकिन सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए, और यहाँ बाहर निकलते हुए अरविंद केजरीवाल को आप यहां देख पाएंगे। ये देखिए गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे हुए हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं अरविंद केजरीवाल। 6:55 पर तिहाड़ जेल से बाहर आए, 2 जून को हर हाल में उन्हें सरेंडर करना होगा, अदालत ने साफ कर दिया है। शराब नीति मामले में 1 अप्रैल से ही तिहाड़ जेल में बंद थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने 5 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, इस अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव की प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी, तो ऐसे में 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। शराब नीति केस में अपने रोल पर, अपनी भूमिका पर वो कोई बयान नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ऑफिस, दिल्ली सेक्रेटरिएट नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो यहाँ अरविंद केजरीवाल को तो राहत मिली है, लेकिन इंदौर में अक्षय कांति बम की अगर बात करें तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। 17 साल पुराने केस में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, माफी आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अक्षय कांति बम के पिता के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है, पुलिस को कोर्ट का निर्देश है 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर जेल में पेश करने का निर्देश है। सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के द्वारा आरोपी अक्षय बम एवं आरोपी कांतिलाल बम के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, और पुलिस अगली दिनांक जो इस केस की है, दिनांक 8 जुलाई 2024 इस तारीख या इस तारीख के पूर्व कभी भी दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। अब वारंट चूंकि आज माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किया जा चुका है, तो पुलिस का अब ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि दोनों आरोपीगण को शीघ्र गिरफ्तार करके न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करें। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश बताएं जरा कोर्ट में किस तरह से मुश्किलें बढ़ी हैं अक्षय कांति बम की। तो कुछ चीजें टेक्निकल है। अक्षय कांति बम और उनके पिता के खिलाफ 17 साल पुराना केस दर्ज हुआ था। 17 साल से पुराना पूरा ये मामला है और जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 15 से 20 दिन पहले, उसमें एक धारा बढ़ाई गई थी और वो धारा थी 307। 307 ये गंभीर धारा मानी जाती है, और जब 307 में केस दर्ज हो गया तो ये केस लोअर केस से सेशन कोर्ट में फॉरवर्ड हो गया। नीचे जितने भी केसेस और थे उस पर वो जमानत पर चल रहे थे, लेकिन जो धारा और बढ़ाई गई थी वो 307 थी और जिसमें सुनवाई सेशन कोर्ट को करना था। पिछली जो तारीख दी गई थी उस तारीख में अक्षय और उनके पिता जो है कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। आज फिर से जो सुनवाई होनी थी 10 तारीख की, आज उनके द्वारा एक हाजिरी माफी लगाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता को हार्ट की संबंधित कुछ परेशानियां हैं, 10 दिन के लिए वो बेड रेस्ट में है और वो पारिवारिक कारणों से बाहर है।
कोर्ट ने कहा कि ये जो तर्क है ये सही नहीं है और आज प्रस्तुत होना था क्योंकि जो सुनवाई होनी थी 307 पे होनी थी, पुराना जो मामला उसमें जमानत पर रिहा थे, लेकिन जो 307 धारा बढ़ाई गई थी इस पर वो जमानत पर रिहा नहीं थे और अगली जमानत भी खारिज हो चुकी थी, यानी आज सुनवाई के लिए पेश होना था। नहीं पेश होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट निकाल दी। 8 जुलाई के पहले कोर्ट को पुलिस को इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना होगा। अक्षय और उनके पिता कांतिलाल बम को 17 साल पुराना विवाद है, यूनुस खान इसमें फरियादी है, जमीन विवाद जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खरगोन के मंडलेश्वर में उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। करीब 42 डिग्री तापमान में लोग सीएम का स्वागत करने के लिए नजर आए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जो मुख्यमंत्री ही मोहन यादव ने पूरी ताकत झोंक दी अंतिम प्रचार के दौरान, और हमारे साथ खुद मोहन यादव जी मौजूद है। सर 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 आपको जिस प्रकार से बदलावर बदलावर सर नागदा नागदा से उठ गए सर, रोड शो के दौरान जो जनता का मोदी के प्रति प्रेम है, भाजपा के प्रति विश्वास है, यही कारण आप उसका सैलाब देख रहे हो सबके सामने। क्या लग रहा है सर अंतिम समय में पूरा आपने दम लगा दी, ताकत झोंक दी? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं। क्या लग रहा है मध्यप्रदेश की 29 सीटों को लेके? 29 की 29 सीटें जीत रही भारतीय जनता पार्टी, आखिरी चरण का चुनाव है, हम सब जीत रहे हैं। ये तो सीएम यादव सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिनका सीधा साफ कहना है कि रोड शो में जो सैलाब उमड़ा है निश्चित ही 29 सीटों पर मध्यप्रदेश में भाजपा की जीत होने वाली है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये तूफानी प्रचार जारी है। इसी कड़ी में सीएम धार पहुंचे, जहां धामनोद में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। धार में बीजेपी उम्मीदवार सावित्री ठाकुर का कांग्रेस के राधेश्याम मुवेल से मुकाबला है। विधायक विक्रांत भूरिया ने वन मंत्री नागर सिंह चौहान पर बड़ा आरोप लगाया। भूरिया ने वन मंत्री पर 10 से ज्यादा अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही नागर सिंह चौहान का एक वीडियो भी दिखाया जिसमें वो अपने पिता के जेल जाने की बात कह रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर भूरिया ने वन मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा कि किन मामलों में जेल हुई उसकी जानकारी दें। ये सामने ये सबूत पेश करता हूं, ये सबूत नहीं बहुत बड़ा सबूत है जिसको कहीं ना कहीं दबाने का पूरा प्रयास करा गया, और आज जैसे कहा जाता है कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, इसमें नागर सिंह चौहान जी पर जितने भी अपराध दर्ज हुए थे उनमें से कुछ अपराधों की सूची है, एफआईआर के क्रमांक हैं, यह चीज उनको स्पष्ट करना चाहिए और इसकी कॉपी मैं आप सबको दूंगा क्योंकि ये हर व्यक्ति तक पहुंचने का जवाबदारी आप लोगों की है। जनता को सत्यता पता होना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व करने जो जा रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं। खबर मुरैना से, जहां वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की 4 किलोमीटर पीछा कर अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। काम करो गरीब कहीं में भाई।